किसी अभियान पर जा रहे हैं लंकेश? हाँ महारानी मंदोदरी, मैं एक अनोखे अभियान पर जा रहा हूँ। लेकिन आसपास का समस्त क्षेत्र तो आप जीत चुके हैं, अब किसे जीतने जा रहे हैं? एक मानव पुत्री को। मानव पुत्री? हाँ महारानी मंदोदरी, आज मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है और मैंने प्रण लिया है कि मैं सीता को जीतकर लंका लाऊंगा। नहीं लंकेश, ये विचार भी मन से निकाल कर फेंक दीजिए। महारानी, यदि आप इसलिए सिहर उठी हैं कि सीता की लंका आ जाने से आपका पटरानी का पद छिन जाएगा, तो आप निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं होगा। सीता के लंका आ जाने के उपरांत भी पटरानी आप ही रहेंगी। ईश्वर की सौगंध, मुझे अपना पद छिन जाने की तनिक भी चिंता नहीं। तो फिर क्यों रोककर मेरा समय नष्ट कर रही हैं आप महारानी मंदोदरी? आप भूल कर रहे हैं, आपने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मानव के अतिरिक्त आपको कोई मार न सके। आपको तो मानव की छाया से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि मानव ही आपके विनाश का कारण बन सकता है। मेरा विनाश? लंकापति रावण का विनाश? ये आप किसकी बातों में आ गई है महारानी? मैंने तो वरदान लेने के लिए वो बात मान ली थी। सत्य तो यह है महारानी मंदोदरी कि मैंने स्वयं ब्रह्मा को छला था। आपने ब्रह्मा को छला था? हाँ छला था महारानी, मैंने ब्रह्मा को छला था। तनिक सोचिए महारानी, जिस लंकापति रावण को, स्वर्गाधिपति रावण को देवता भी नहीं छू सकते, उसे साधारण मानव क्या मार सकेगा? नहीं मार सकता। रुकिए महारानी मंदोदरी, यदि आप मुझे हंसकर विदा नहीं कर सकती तो मेरा मार्ग रोकने का प्रयत्न भी न कीजिए। मंदोदरी बहु विधि समझाए, अभिमानी रावण न सुहाए। दशकंधर मिथिला प्रस्थाना, विधि का लेख को नहीं जाना। विधि का लेख को नहीं जाना। हे वीरजनों, आप सब अपने अपने क्षेत्र के ऐसे सूरमा हैं जिनका नाम सुनकर धरती और आकाश कांप जाते हैं। आप सब राजपुरुष हैं, क्षत्रिय हैं। आप सबको मेरा संकल्प ज्ञात है। भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर जो भी वीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो ही मेरी सुपुत्री जानकी का अधिकारी होगा। आज ही समय है अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने का। आज ही समय है अपने क्षत्रिय तत्व दिखाने का। तो अब मैं स्वयंवर समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं।
विदर्भ के राजकुमार वीरभद्र अपना शौर्य प्रकट करने आ रहे हैं। ठहर जाओ। इसमें इतना साहस है कि लंकेश के रहते इस पवित्र धनुष को अपने पवित्र हाथों से छूने का दुस्साहस भी कर सके। इस शिव धनुष को उठाने और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रथम और अंतिम अधिकार मात्र एकमात्र लंका पति केकसे पुत्र रावण को है और किसी को नहीं। मानव की सभा में आकर मानवों का अपमान कर रहे हो लंकेश? ये भगवान शिव का धनुष है। तो क्या हुआ? मैंने शिव के कैलाश को इन्हीं हाथों पर उठाया था, इन्हीं हाथों पर। इस धनुष को तो मैं तिनके के समान उठा लूंगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? अभी आप सब देख लेंगे कि जो लंकापति रावण कहता है वही करके दिखाता है, वही करके दिखाता है। लंकापति रावण पर हंसने का दुस्साहस ना करो मूर्खो, अन्यथा जिस शिव धनुष को लंकापति रावण नहीं उठा सका उसे संसार में कोई नहीं उठा सकता। मिथिला नरेश जनक, मुझे आपसे सहानुभूति है। अशुभ बोल बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु अब आपकी पुत्री सीता जीवन भर अविवाहित रहेगी, बिन ब्याही रहेगी।